ये रिक्वेस्ट है सारी के चार मीनार बस स्टैंड जो हटा दिए, चार मीनार बस स्टैंड हटाने की वजह से वहां पर जो तकलीफ हो रही है सराउंडिंग के लोकैलिटीज को, आधा आधा घंटा पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती, शालीबंडे से जो बसेस आते हैं, दारूशबा से जो बसेस आते हैं, मेन रोड के ऊपर टर्न होने के लिए काफी दुश्वारी है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है, खुसूसकर हमारे के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब से, जो चार मीनार बस डिपो बस स्टैंड को एक्वायर करके वहां पर पार्किंग लॉट बनाने का जो प्रोग्राम रखा गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसा कि कोठी के ऊपर नीचे से बसेस पास हो रहे हैं और ऊपर ऑफिसेज बनाए गए, उस तरीके से वहां पर बस स्टैंड बनाइए ताकि नीचे से बसेस पास हो जाए और ऊपर पार्किंग लॉट बनाया जाए। चूंकि मेरा घर भी वहीं पर है, मेरी केटी रामा राव से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे केटी रामा साहब सुनिए मेरी बात को आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि चार मीनार बस डिपो को वहां से जो बस स्टैंड को जो वहां से हटा दिया आप, जो चार मीनार प्रेजेंस जोन के अंदर वहां पर पार्किंग लॉट बना रहे हैं, वहां पर बसेस जो आ रहे हैं बसेस टर्न लेने के लिए काफी तकलीफ है सराउंडिंग में, आधा आधा घंटा ट्रैफिक पूरी जाम हो जाती। तो कोटी के ऊपर जिस तरीके से बस स्टैंड बनाया गया, जैसा कि नीचे से बसेस पास हो रहे हैं ऊपर ऑफिस बनाया गया, उस तरीके से डिजाइन करके नीचे से बसेस को पास करिए और ऊपर आप पार्किंग लॉट बनाइए। चूंकि वहां के अतराफ के लोगों को काफी दुश्वारी हो रही, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आरटीसी मिनिस्टर साहब और हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब कंसर्न करके वो डिजाइन करे तो मुनासिब रहेगा। शुक्रिया। और उसके अलावा जो है मुमताज अहमद खान साहब, जो आप जिक्र करें साहब, आपके पास जो बस स्टैंड था वो जो पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट में जो है उसको डिमोलिशन कर दिया है, तो पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट में जो डिमोलिशन हुआ है उसके वजह से जो है वहां पे हमारे को बस स्टैंड नहीं रहा। बस स्टैंड अगर रहता था तो चार मीनार में क्या हो गया था, वो हेरिटेज बिल्डिंग हो गया, उसके वजह से पोल्यूशन के वजह से जो है वहां पे बसा चलाना नहीं है बोल के डिसीजन लिए हैं। अगर आप समझो वहां पे फिर बस स्टैंड बनाने के लिए वो जगह जो जेएचएमसी को दिया गया था उसमें अगर हमारे को सौंप दिया तो हम जरूर जो है वहां पे बस स्टैंड बनाएंगे और वहां से जो है बसें चलाएंगे। जैसे हमारे आपने जो जिक्र किया है, हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब भी राजी है, तो उन्होंने जेएचएमसी के तरफ से जो है आपने आपने जो बताया है उसके लिए उन्होंने